ऐसा समय सबके साथ आता है जब हम किसी शांत सी जगह पर जाना पसंद करते हैं, या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ कोई शोर शराबा ना हो। पहाड़ों पर तो आप सब घूमे ही होंगे और ठहरने के लिए आपने होटल्स और होम स्टे का इस्तेमाल भी किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों पर कुछ ऐसे आश्रम भी हैं जहाँ कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ मुफ्त में ठहरने की सुविधा है। और ये आश्रम ऐसी जगह पर स्थित हैं जो वास्तव में हैरान कर देने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के चुनिंदा आश्रमों के बारे में जो आत्मिक व मानसिक शांति के लिए देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। ये तो हम सभी जानते ही हैं कि भारत की आध्यात्मिक विरासत से रूबरू होने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते रहते हैं। हिंदू धर्म में सदियों पहले योग, ध्यान और आयुर्वेद की खोज हुई, उसकी बदौलत आज देश में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कई आश्रम चल रहे हैं। प्रकृति के बीच बसे ये आश्रम आपको सारी परेशानियों से दूर आपको जीवन का सही मतलब सिखाते हैं, आपको अपने आप से मिलने में बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप आश्रम की लाइफ को एक्सपीरियंस करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आश्रम की लाइफ आसान नहीं होती और ये कोई हॉलीडे की तरह नहीं होती जहां आप रेस्ट करने के लिए जा रहे हो। आश्रम के अपने नियम होते हैं जो खाना पीना सोना काम में हेल्प करने से लेकर काफी चीजों में अप्लाई होते हैं। यहाँ की दिनचर्या आपको फॉलो करनी होती है। सिंपल कपड़े, सिंपल वेजिटेबल खाना और समय से योगा मेडिटेशन आश्रम लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। इस वीडियो में मैं आपको हर आश्रम के नियमों के बारे में बताऊंगी जिससे आप सही डिसीजन ले पाए। दोस्तों, आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमने इसे बहुत ही मेहनत से बनाया है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी लोगों के लिए लाभदायक होगी। पिछली मेरी गुरुकुल वाली वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या कोई ऐसा भी गुरुकुल या आश्रम है जहाँ बड़ी उम्र के लोग रह सकते हैं और गुरु से शिक्षा ले सकें और शिष्य की तरह आश्रम में रह सकें। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल दा गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, जहां आपको भारतीय संस्कृति और वैदिक परंपरा से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहती है। तो आइए जानते हैं भारत के उन आश्रमों के बारे में जहां आध्यात्मिक अनुभव का आनंद लेने के साथ ठहरने के लिए बहुत ही कम या कोई भी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको यहां पर जाने के लिए थोड़ा पहले बुकिंग करानी होती है, जो कि डायरेक्टली इनकी वेबसाइट से ही होती है। लिस्ट में सबसे पहले है विपश्यना इंटरनेशनल एकेडमी, इगतपुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के इगतपुर में SN गोयका द्वारा स्थापित इस आश्रम में ध्यान की इस खास विद्या विपश्यना को सिखाया जाता है। विपश्यना का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में है। बोधो द्वारा डिजाइन किया गया विपश्यना ध्यान विधि भारतीय इतिहास में सबसे पौराणिक विधि है, जिसके जरिए आत्मा को शांत कर तनाव से मुक्ति पाई जाती है। यह विद्या 10 दिनों के शिविर में सिखाई जाती है। आपको इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है और पूरे 10 दिनों तक इसके कहे अनुसार नियमों का पालन करना होता है, जिसमें रात के भोजन की मनाही होती है। किसी भी प्रकार की गतिविधि जिसमें टेलीविजन देखना, संगीत सुनना, मुलायम बिस्तर पर सोना, यहाँ तक कि सजाने वाले गहने और मेकअप की भी सख्त मनाही है। यहाँ कोई शिक्षक को छोड़कर किसी से बात नहीं कर सकता है, यहाँ तक के इशारा भी नहीं कर सकता है। यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कोर्स है, जिसमें शामिल होने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना होता है। यदि आप एक बार इस कोर्स को कर लेंगे तो आप जीवन भर मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। वैसे आपको बता दूं कि इस कोर्स को करने के लिए देश और विदेशों में बहुत से सेंटर हैं। शिविर का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, रहने और खाने का भी नहीं। शिविर का पूरा खर्च दान से चलता है। जो लोग यहाँ से कोर्स करके जाते हैं कुछ ना कुछ दान भी करते हैं। यहाँ आप एक स्वसेवक या वॉलंटियर के रूप में भी काम कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 10 दिवसीय ध्यान पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मैं आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। स्वामी दयानंद सरस्वती आश्रम ऋषिकेश उत्तराखंड। स्वामी दयानंद आश्रम 1960 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किया गया था। स्वामी दयानंद गिरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु थे और 1991 में नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश आश्रम आकर उनसे वेदांत का ज्ञान लिया था। स्वामी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये एक बहुत ही सिद्ध एंड प्रसिद्ध आश्रम है, जहां देश और विदेशों से बहुत से लोग आते रहते हैं। विराट कोहली भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ आश्रम में आ चुके हैं। वेदांत और संस्कृति के अमूल्य ज्ञान को समेटे हुए ये आश्रम ऋषिकेश उत्तराखंड में है। हिमालय और गंगा के गोद में बने इस आश्रम में योग की जानकारी, प्रैक्टिस और उसके अभ्यास के लिए यहाँ समय समय पर कोर्स कराए जाते हैं। आश्रम में एक लाइब्रेरी भी मौजूद है, जिसमें वेदांत, संस्कृत, भारतीय और पश्चिमी दर्शन
धर्म और योग जैसे विषयों पर 5000 से अधिक पुस्तकें हैं। आश्रम में साधुओं, दर्शनार्थियों, भक्तों के लिए भंडार का प्रबंध भी किया जाता है और धर्मार्थ औषधालय भी चलाया जाता है, जिसमें इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निःशुल्क निवारण किया जाता है। घूमने के पर्पज से जाने वाले लोगों को वहाँ नहीं लिया जाता है। अगर आप सही में आश्रम नियमों को मानने को तैयार हैं, उनके कराए जाने वाले कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तभी आपको वहाँ अलाउ करते हैं। यहाँ पर वेदांत की शिक्षा फ्री में दी जाती है। हालांकि ये आशा करते हैं कि विजिटर अपने रहने खाने की व्यवस्था के लिए रीजनेबल अमाउंट डोनेट करें। यहाँ जाने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर अपने विजिट की इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट फॉर्म के जरिए डाल सकते हैं। तमिलनाडु का श्री रामना आश्रम। दक्षिण भारत के तमिलनाडु शहर में लगभग हर दिन हजारों देसी और विदेशी टूरिस्ट घूमने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप तमिलनाडु की तिरुवन्नामलई की पहाड़ियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यहां मौजूद श्री रामना आश्रम में फ्री में रुक सकते हैं। यह प्रसिद्ध आश्रम श्री भगवान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। आश्रम में एक बहुत ही बड़ा बागीचा और एक लाइब्रेरी है। भक्तों को यहाँ ठहरने के लिए कोई किराया नहीं देना पड़ता और यहाँ आप शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। हाँ, यहाँ जाने से पहले आपको यात्रा से कम 6 हफ्ते पहले ठहरने की बुकिंग करानी होती है। ऋषिकेश का गीता भवन। पवित्र गंगा के तट पर बसे गीता भवन ठहरने के लिए आध्यात्मिक यात्रियों की सूची में सबसे ऊपर आता है। गीता भवन में कुल 1000 कमरे हैं, जहां दुनिया के कोने कोने से लोग यहां रहने आते हैं। आप आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति के लिए आश्रम द्वारा आयोजित ध्यान और योग कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। नदी के किनारे स्थित गीता भवन में लोगों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है और यहाँ रुकने के लिए आपको कोई पैसा भी नहीं देना होता है। आश्रम में लक्ष्मी नारायण मंदिर, एक आयुर्वेदिक विभाग और एक लाइब्रेरी है। यहाँ आने वाले मेहमान शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद ले सकते हैं। केरल का आनंदा आश्रम। आनंद आश्रम की स्थापना स्वामी रामदास और माता कृष्णाबाई ने 1931 में की थी। यह सुंदर सा आश्रम केरल की हरियाली के बीच बसा है। यहाँ कोई भी आकर फ्री में रह सकता है। यहाँ आपको 3 टाइम का खाना मिलता है। इसके साथ साथ आप यहाँ साधना कर सकते हैं और अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। सुबह शाम हो रहे भजन मंत्रों का उच्चारण करके अपने मन को शांत कर सकते हैं। यहाँ आकर आपको वास्तव में एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। यहाँ आप पक्षियों की चहचहाट सुन सकते हैं और यहाँ पक्षियों की आवाज मन को शांति प्रदान करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एकदम घर जैसा कम मसाले वाला भोजन खाने को मिलेगा, वो भी बिना किसी कीमत को चुकाए। ऋषिकेश का भारत हेरिटेज। आप जब चाहें भारत हेरिटेज सेवा में रह सकते हैं और खाने पीने जैसी हर सुविधा का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। योग, ध्यान, डिटॉक्स जैसे प्रोग्राम में शामिल होकर वॉलंटियर भी कर सकते हैं। ऋषिकेश के इस आश्रम की खास कहानी है, यह आश्रम और संस्थान हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए शरीर और मन के उपचार का कोर्स कराता है। यहां ठहरना बिल्कुल फ्री है। अगर अपनी मर्जी से कोई यहां दान करना चाहता है तो उनका स्वागत है। ऋषिकेश में बसे इस आश्रम की अपनी अलग कहानी है। स्वयंसेवी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर कोई भी यहाँ मुफ्त में ठहरने की सुविधा का लाभ उठा सकता है। यहाँ आपको विदेश से आए लोगों के बीच रहने, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आश्रम स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेने वालों को सम्मान प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा आश्रम है, जो कि स्वयं सेवकों को अपने परिसर में रहने का अवसर देता है, साथ ही उन्हें हर तरह की सेवाएं भी प्रदान करता है। आश्रम हर साल अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन करता है। जी हाँ, परमार्थ निकेतन एक ऐसी जगह है जहाँ आप फ्री में रुक सकते हैं और फ्री में खाना खा सकते हैं। इस आश्रम में आप फ्री में योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यह कहा जाता है कि यहाँ रुकने वाले व्यक्ति कुछ समाज सेवा भी करते हैं, जैसे गार्डनिंग करना, सफाई करना आदि। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में हर दिन हजारों लोग घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की मणिकरण जगह में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहाँ मौजूद गुरुद्वारा मणिकरण साहिब में फ्री में ठहर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित मणिकरण साहिब गुरुद्वारा पर्यटकों के लिए मुफ्त है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी भी मुफ्त में पार्क कर सकते हैं, साथ ही यहाँ लंगर खाने का मजा ले सकते हैं, जो कि एकदम मुफ्त मिलता है। लहरदार पार्वती नदी पर स्थित गुरुद्वारे में एक साथ 4000 लोग आ सकते हैं और आप जब चाहे तब रह सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई सारी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।